एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमसे बोला गया है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। इफ ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक अम्ब्रेला बनाया गया है उसमें 10 ट्राइंगुलर पीसेज हैं और उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए टू डिफरेंट कलर के जो है क्लॉथ यानी कि कपड़े यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब जब टू डिफरेंट कलर के क्लॉथ यूज़ हुए हैं और 10 ट्राइंगुलर पीसेस से वो अम्ब्रेला बना हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी दो कलर यूज़ हुए हैं उसमें से जो है फाइव जो है एक कलर के होंगे और फाइव जो है फाइव पार्ट्स जो होंगे फाइव पीस जो होंगे वो दूसरे कलर के होंगे। ठीक है, मान लीजिए जो है वो रेड और ब्लू कलर से जो है वो अम्ब्रेला बनाया गया है तो फाइव जो पीस होंगे वो रेड कलर के होंगे और फाइव जो होंगे वो ब्लू कलर के होंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको जो है यहाँ से यहाँ पर जो है थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ रहा होगा। इन सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला बना दिया गया है। आपकी जो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उसकी फिगर में आप लोगों को वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जो इसका एक पीस है उस एक पीस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसकी हमें फाइव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए फाइव से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि टेन से क्यों नहीं। टेन से इसलिए नहीं क्योंकि हमसे बोला गया है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर यानी कि एक कलर का कितना कपड़ा यूज़ हुआ है। तो एक कलर के तो फाइव पार्ट्स ही बने हुए हैं, तो अगर एक एक पार्ट्स का एरिया निकाल लेंगे और फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हर कलर का जो कपड़ा यूज़ हुआ है वो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक पीस के लिए काम कर लेंगे, जब एक पीस का एरिया आ जाएगा तो हम क्या फिर फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ए इज इक्वल टू इसमें 50 सेंटीमीटर है, बी भी कितना है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और जो सी है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन टू हो जाएगा और एस जब निकालेंगे तो 50 प्लस 50 और प्लस 20 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा टू। ठीक है, तो अब आगे जब इसको करेंगे हम तो एस इज़ इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन टू, टू से 60 टाइम ख़त्म हो जाएगा, एस इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ वन पीस, ठीक है, तो एरिया ऑफ वन पीस वो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट एस कितना है आपके पास 60 और ये कितना है 60 माइनस ए कितना है आपके पास 50 और ये 60 माइनस 50 और ये 60 माइनस 20। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 60 के फैक्टर 60 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये 10 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे भी 10 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 40। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ और अगर नहीं ध्यान है तो देख लीजिए, जो जब किसी के साथ जीरो लगा हुआ होता है तो ज़ीरो को हटा कर फैक्टर कर लो कर लिया करते हैं। जो सिक्स है सिक्स के फैक्टर होते हैं टू इंटू थ्री और जहाँ पर ज़ीरो होता है वहाँ पर टू इंटू फाइव रख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना तो जो सिंपल मेथड होता है फैक्टर का उसे लगा कर हम फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, टेन है तो टेन के टू इंटू फाइव हो जाएंगे फैक्टर, ये टू इंटू फाइव हो जाएंगे और ये फोर है, फोर्टी है तो फोर के टू इंटू टू होते हैं और जो ज़ीरो है उसके टू इंटू फाइव आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए टू कितनी बार आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन टाइम्स आया है तो ये जो सिक्स टाइम में से थ्री टाइम बाहर निकल जाएगा और जो एक रहेगा एक टू रहेगा वो इसके अंदर ही रहेगा। थ्री वन टाइम्स आया तो ये इसके अंदर ही रहेगा, फाइव वन टू थ्री फोर, फोर टाइम आ रहा है तो फाइव टू टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो अंदर एक टू बचा और एक बचा यहाँ पर थ्री। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जब ये एट आ जाएंगे और ये फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव और अंडर रूट टू थ्री जै सिक्स तो ये आ जाएंगे टू हंड्रेड रूट सिक्स। ठीक है, अब आपने इसको ये देखा कि ये जो एरिया आया ये वन पीस का एरिया आया, मगर आपको तो जो हर हर कलर के जो है एक कलर के कितने पीस लगे हुए हैं, फाइव पीस लगे हुए हैं, तो आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच टाइप, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, फाइव से, फाइव मल्टीप्लाई टू हंड्रेड रूट
सिक्स, तो कितना आ जाएगा ये 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है।